हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पांचवें दिन भी रोडवेज बसों का संचालन नहीं हुआ, जिसके चलते ACS परिवहन शैलेंद्र अग्रवाल ने जिला कलेक्टरों से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में पूछा गया है कि हड़ताल से क्या असर पड़ रहा है, साथ ही लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। इधर रोडवेज कर्मचारियों ने शुक्रवार को सरकार और मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ भी किया, जिसमें हड़ताली रोडवेज कर्मचारियों ने आहुतियां भी दी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के पहिए शुक्रवार को पांचवें दिन भी थमे रहे। हड़ताल से बसों का संचालन ठप है, जिससे अब तक रोडवेज को जोधपुर डिपो में लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। बावजूद इसके राज्य सरकार की ओर से अब तक हड़ताल खत्म करने को लेकर कोई गंभीर प्रयास नजर नहीं आ रहे। रोडवेज बसों की जगह यात्रियों को बस, जीप और अन्य वाहनों से जाना पड़ रहा है। इसके साथ ही यात्रियों ने निजी बसों की तरफ रुख कर लिया है, वे रोडवेज बसों से अभी विमुख हो गए हैं। निजी बसें ही अब यात्रियों का सहारा बनी हुई है। अब तक 20 करोड़ का नुकसान। हड़ताल की वजह से रोडवेज को पूरे प्रदेश में 4 दिन में करीब 20 करोड़ का नुकसान हुआ है। साथ ही कर्मचारियों के वेतन कटौती से रोडवेज को करीब 7.5 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। इसके साथ ही 6 करोड़ रुपए डीजल की बचत हुई है। रोडवेज प्रशासन का कहना है कि कर्मचारियों को हड़ताल के दौरान का वेतन नहीं मिलेगा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फायदा होगा। हड़ताल पर रहने से रोडवेज को 2 दिन में करीब 5 करोड़ रुपए कर्मचारियों के वेतन और 4 करोड़ रुपए डीजल पेट बचे हैं। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।